हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर अपन ने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकले या फिर इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करे तो ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। फिर इसके बाद हमने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज की अगर बात करें तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन ई, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। फिर इसके बाद में बात की थी अपन ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अपन ने बोला था कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज के फ्लो होने की रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ से अपन को इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट मिला था एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड। वन एम्पियर के बारे में डिस्कस किया था अपन ने कि एक एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा। वन एम्पियर के डेफिनेशन के लिए बोला था अपने कि किसी भी कंडक्टर से वन कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक अगर फ्लो हो तो उस कंडक्टर में करंट का वैल्यू 1 एम्पियर होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एक और बात की थी अपन ने कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैलकुलेट किया था तो 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स मिला था अपन को। फिर इसके बाद में आज डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसको डिनोट करते हैं अपन वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कोई भी कंडक्टर लेके चलेंगे अपन, और उस कंडक्टर के अंदर क्यू कूलम चार्ज को 1 पैलेस से अनदर पैलेस के ऊपर ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन लगेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू वर्क डन और क्यू कूलम चार्ज के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन पोटेंशियल के बारे में, ये लेके चल रहे हैं कि ये आपका एक क्या है कंडक्टर, ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि ये है आपका एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर बात करें अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। पॉइंट ए के ऊपर मान के चल रहे हैं कि कोई चार्ज है आपका क्यू, पॉइंट ए के ऊपर चार्ज कितना मान लिया क्यू है। इस चार्ज क्यू को कंडक्टर के अंदर 1 पैलेस से और दूसरे पैलेस तक, 1 पैलेस से अनदर पैलेस तक अगर लेके जाए तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान के चल रहे हैं कि वर्क डन कितना है आपका डब्ल्यू, मान के चल रहे हैं वर्क डन कितना है डब्ल्यू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा आपका वी इज इक्वल टू जितना वर्क डन करेंगे वो वर्क डन और अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना है अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू वर्क डन अपॉन में चार्ज के इक्वल होगा। यहां से बोल रहे हैं अपन वी इज इक्वल टू वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन है आपका डब्ल्यू, और चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज है आपका क्यू, चार्ज कितना है क्यू। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से यूनिट की अगर बात करें तो यहां से बोल के चल रहे हैं कि वर्क डन का यूनिट होता आपका जूल और चार्ज का यूनिट होता आपका कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल कितना आएगा जूल पर कूलम, या फिर जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है, जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। अगर आपको ये बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट कितना होगा तो एसआई यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल का एसआई यूनिट है आपका वोल्ट, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। फिर इसके बाद में यहां से मान के चल रहे हैं अपन कि इफ चार्ज क्यू का वैल्यू कितना हो, चार्ज क्यू का वैल्यू हो आपका 1 कूलम, जिसको बोल रहे हैं अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
चार्ज क्यू का वैल्यू ले लिया अपन ने 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर वी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो गया आपका डब्ल्यू और अपॉन में चार्ज की जगह 1, तो ये आएगा वैल्यू आपका वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहां से इसका दूसरा डेफिनेशन और बोल सकते हैं अपन पोटेंशियल का। पोटेंशियल के दूसरे डेफिनेशन के लिए बोल रहे हैं अपन कि कूलम चार्ज जो है वो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी कंडक्टर में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पैलेस से अदर पैलेस तक ट्रांसफर करने में किया गया वर्क डन ही पोटेंशियल के इक्वल होता है। किसी भी कंडक्टर में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पैलेस से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पैलेस से अनदर पैलेस पर ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन होगा उसी वर्क डन को कंडक्टर का पोटेंशियल कहा जाता है, उसी वर्क डन को कंडक्टर का पोटेंशियल कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन कि इसके बाद में अगर बात की करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें अपन तो किसी भी कंडक्टर में दो पॉइंट्स ए और बी जैसे बोल दिया अपन ने, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो किसी भी कंडक्टर में दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, या फिर ये बोले अपन कि किसी भी कंडक्टर में इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन ही, किसी भी कंडक्टर में इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। यहां से बोलते चल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर पॉइंट ए और बी की बात करें तो वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू वर्क डन और अपॉन में बोल के चल रहे हैं अपन चार्ज। यहां से बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू हो गया आपका डब्ल्यू अपॉन में क्यू। यहां पे मान के चल रहे हैं कि इफ लेट पॉइंट बी प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, पॉइंट बी कहां पर प्लेस्ड है आपका इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। यहां पे बोल रहे हैं हम एट इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो, इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट बोल रहे पॉइंट बी को, तो ये बी बी इज इक्वल टू बी इनफाइनाइट और इज इक्वल टू आएगा आपका जीरो। यहीं से फॉर्मूला हो गया बी ए या फिर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यदि ये बोले कि इफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो बी इज इक्वल टू आएगा आपका डब्ल्यू के इक्वल। किसी भी कंडक्टर में इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा उसी वर्क डन को पोटेंशियल कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगर डिस्कस करें अपन, इसके बाद में अगर एक डिस्कस करें एक टर्म आता आपका वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की अगर बात करें एक टर्म आता आपका वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर की अगर बात करें तो वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन वोल्टमीटर की, वोल्टमीटर की अगर बात करें तो वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से अपन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर कंडक्टर के एंड्स का या फिर कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। वोल्टमीटर की हेल्प से अपन किसी भी सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। वोल्टमीटर की अगर बात करें तो वोल्टमीटर जो है वो सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है। यहां से लिख रहे हैं अपन वोल्टमीटर इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस बाई विच वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर कंडक्टर
वोल्टमीटर की हेल्प से अपन किसी भी कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। और यहां से बोल रहे हैं अपन कि वोल्टमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां से इस बात को भी ध्यान में रखना आप लोग कि वोल्टमीटर जो है वो सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। कल अपन ने डिस्कस किया था अबाउट एमिटर, तो एमिटर के बारे में बोला था कि एमिटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से अपन करंट का वैल्यू मेजर कर सकते हैं और एमिटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर की हेल्प से अपन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टमीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में एक छोटे से अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है आपका, एग्जांपल आपको गिवन है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 3 कूलॉम बिटवीन टू पॉइंट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि वर्क डन का वैल्यू कितना होगा जब 3 कूलॉम चार्ज को किसी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर लेके जाएं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है, तो चार्ज का वैल्यू आपको कितना गिवन है, चार्ज का वैल्यू गिवन है 3 कूलॉम और वोल्टेज डिफरेंस VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 10 वोल्ट। यहां से अभी अपन ने बात किया था वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अभी अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया था VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। यहां से VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करना आपको और चार्ज का वैल्यू आपको गिवन है। यहां से VA माइनस VB का वैल्यू आपको पहले से गिवन है कि ये तो हो गया 10 इज इक्वल टू W और अपॉन में कितना हो गया आपका 3 कूलॉम। इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो W का वैल्यू आएगा आपका 10 × 3 और इज इक्वल टू 30। वर्कडन का यूनिट होता आपका जूल, तो आंसर हो गया आपका 30 जूल। आंसर कितना आ गया 30 जूल। फिर इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को देख के आप लोगों को आइडिया करना है कि कौन सा इक्विपमेंट क्या होता है, किस इक्विपमेंट का सिंबल कौन सा होता है। तो बात करते हैं अपन सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, आपको उनका सिंबल देख के आइडिया करना है कि कौन सा सिंबल किस इक्विपमेंट का है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन नेम, इक्विपमेंट का नेम लिखेंगे और इस साइड में उसका सिंबल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लेके चल रहे हैं अपन सेल। अगर सर्किट के अंदर सेल हो तो उस सेल का सिंबल मिलेगा आपको इस टाइप से, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी की अगर बात करें सेकंड इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें तो दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर कनेक्ट करते हैं तो उसे बैटरी कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं अपन दो या फिर दो से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट हो तो उसे बैटरी कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन इसके बाद में बात कर रहे हैं की जिसको अपन बोलते हैं स्विच,
की की अगर बात करें तो एक तो आपका आता है सिंबल ओपन की, क्लोज की का, और दूसरा सिंबल आता है आपका ओपन की का। इसको बोलेंगे अपन क्लोज और इसको बोलेंगे ओपन स्विच या फिर ओपन की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में गिवन हो तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आपका इस टाइप से, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद में वेरिएबल रेजिस्टेंस की अगर बात करें, वेरिएबल रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आपका इस टाइप से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें करंट कंट्रोलर या फिर इसी को बोलते हैं अपन रियोस्टेट, करंट कंट्रोलर या फिर रियोस्टेट की अगर बात करें तो इसका सिंबल मिलेगा आपको इस टाइप से, इसका सिंबल इस टाइप से। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका एमिटर, और एमिटर हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्टेड होता है, एमिटर का सिंबल मिलेगा आपको इस टाइप से प्लस माइनस। फिर इसके बाद में बात करें अगर वोल्ट मीटर की तो ये है आपका वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल मिलेगा आपको इस टाइप से। और फिर इसके बाद में लास्ट अगर बात करें तो ये है आपका बल्ब, बल्ब अगर किसी भी सर्किट में मिलेगा तो बल्ब का सिंबल आपको इस टाइप से मिलेगा। यहां से अपन ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के सिंबल्स की बात की है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको सिंबल दे तो उस सिंबल को देख के आइडिया करना है कि कौन सा सिंबल किस इक्विपमेंट का है। पहले बोल रहे हैं अपन सेल मिलेगा आपको इस सिंबल में, दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में कनेक्ट करें तो उसको बोलेंगे अपन बैटरी। स्विच या फिर की बात करें तो एक तो होता है आपका क्लोज स्विच में बीच में डॉट लगाएंगे और ओपन के अंदर बीच में कुछ नहीं लगाएंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल इस टाइप से, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ये, करंट कंट्रोलर या फिर रियोस्टेट का सिंबल होता है आपका इस टाइप से, और फिर इसके बाद में एमिटर जो सीरीज में कनेक्ट होता है उसका सिंबल ए से, वोल्ट मीटर को वी से, और बल्ब को डिनोट करेंगे अपन किससे, इस सिंबल से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन तो बात करना अपन को इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ की अगर बात करें तो ओम्स लॉ की अगर बात करें अपन तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन को कोई भी कंडक्टर लेके चले, तो जैसे मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है जिसका लेंथ आपका एल है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कंडक्टर के सिरों के अक्रॉस, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू वी है, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा आपका आई। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो जैसे ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर का ये वाला एंड पॉइंट देखेंगे इस टाइप से, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट दिख रहा है अपन को एक सर्किल टाइप, तो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सर्किल के एरिया के इक्वल होता है। बात करें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर, अगर इस कंडक्टर का लेंथ और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्स्टेंट हो तो लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए तथा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इस कंडक्टर से फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोल रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, थ्रू
कंडक्टर V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाएंगे तो एक वैल्यू आता है आपका इक्वल का साइन और एक आएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू और I का I। इस R को बोल रहे हैं अपन कॉन्स्टेंट, R को क्या बोल के चल रहे हैं अपन कॉन्स्टेंट वैल्यू। V इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया आपका आई आर, जहां पर R क्या है, R की अगर बात करें तो R है आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, R की अगर बात करें तो R है आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसे कहा जाता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, रेजिस्टेंस एक फैक्टर होता है, रेजिस्टेंस एक फैक्टर होता है जो कंडक्टर में करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है या फिर उसका ओपोजिशन करता है, रोकने का काम करता है। यहां से बोल रहे हैं अपन कि आर हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फिर इसके बाद में अगर इस आई को अपॉन में लें तो यह आएगा आपका, यह आएगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इस रेजिस्टेंस का यूनिट अगर बोले तो यूनिट कितना आएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना, तो अपन को पता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है आपका वोल्ट, और करंट का यूनिट कितना एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इस रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहा जाता है, यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलेंगे अपन ओम, जिसका सिंबल है आपका ओम। इस टाइप से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का यूनिट कितना वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसी को ओम कहा जाता है और इसका सिंबल है आपका इस टाइप से। फिर इसके बाद में अगर आगे बात करें कि रेजिस्टेंस जो है, आगे अगर बात करें कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज प्रोपोर्शनल टू आई है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज प्रोपोर्शनल टू आई है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां पे बोल के चल रहे हैं अपन वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, अगर वोल्टेज और इस करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो यह आएगा आपका इस टाइप से। इस साइड में बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, इस साइड में है आपका करंट मतलब आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो एक सीधा लाइन आएगा, यहां से बोल रहे हैं अपन वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसके बाद में अपन को फॉर्मूला मिला था कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, और R का यूनिट कितना बोला अपन ने वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसी को ओम कहा जाता है। यहां से लेके चल रहे अपन कि इफ I इज इक्वल टू कितना हो 1 एम्पियर, V इज इक्वल टू कितना हो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन R का वैल्यू कितना होगा, देन R इज इक्वल टू V का वैल्यू 1 वोल्ट अपॉन में आई का वैल्यू 1 एम्पियर। कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा आपका 1 वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहा जाता है 1 ओम। यहां से बोल के चल रहे हैं कि अगर आई का वैल्यू कितना हो 1 एम्पियर हो, वी का वैल्यू 1 वोल्ट हो, तो आर का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 ओम आएगा। 1 ओम का डेफिनेशन बोलना है उनको, 1 ओम का डेफिनेशन, 1 ओम के डेफिनेशन के लिए क्या बोलेंगे कि जब 1 एम्पियर की करंट को, 1 एम्पियर की करंट को, 1 एम्पियर की करंट को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कंडक्टर से फ्लो करें, 1 एम्पियर करंट को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कंडक्टर से फ्लो करें तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये है आपका एक न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इन विच पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड देन 0.5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। आपको इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है कि कोई भी आपका कंडक्टर है या फिर वायर है, उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2 वोल्ट, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आपको गिवन है।
वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आपका 0.5, तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर आपको गिवन है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना होगा, R इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, यहाँ से लिख रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इस I को अगर अपॉन में करें तो R इज इक्वल टू कितना, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V का वैल्यू अगर पुट किया तो ये आ गया 2 अपॉन में, I का वैल्यू है आपका 0.5, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में 10, ये 10 जाएगा आपका ऊपर, R इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू में 10 अपॉन में 5 1, ये 2 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम आंसर। इस टाइप से अपन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।